प्रॉब्लम, बट वो कोई सुनेगा नहीं, कोई एक्स वाई जेड कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो सिर्फ बिग इंडस्ट्री या फिर वो फ्री रेवड़ी लेने वाले जो हैं उन्हीं की सुनी जाती है बस। युवा तो यही चाहता ना कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए। सही बात है कि नहीं, बंदे ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनको कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। आप बताइए, रेड़ी पटरी वालों को समस्या है, कोई ये सब आता है, ये माल उल उठा के ले जाता है, ये RDM वाला ये सब आता है। हम तो पटरी वाले, हमारी समस्या सुनेगा कौन? जीतने के बाद कोई नहीं आता ना, ना पूछता। तकलीफ है दुकान में, रोड में बहुत फर्क होता है। वहाँ पे छत है, यहाँ पे छत नहीं है, बारिश होती है। वो अभी बंदर आए थे, बंदर ने सब तोड़ फोड़ के इधर डाल दिया, वॉशरूम करके सब कर चले गए। परेशानी है, पर रोटी छोड़ के कहाँ जाएंगे। चुनाव के वक्त व्यापारियों से चंदा लेने के लिए हर दल के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इनकी समस्याओं पे शायद ही कोई ध्यान देता है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जनपद मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर व्यापारियों की समस्याएं आखिर क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नजदीक है और सभी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, व्यापारियों को अपने पल्ले में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो हम लोग आए हैं व्यापारियों के बीच में। इस वक्त हम दिल्ली की जनपद मार्केट में हैं, जहां पर हम लोग व्यापारियों से बातचीत करेंगे, आम जनता से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्या करते हैं आप यहां पर? मैम यहां वो शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग करने आए हैं, क्या मांगे आपकी सरकार से? मैम युवा तो यही चाहता ना कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए। सही बात है कि नहीं, बंदे ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनको कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। आप बताइए, यही चाहता है युवा सरकार, या युवा जो लोग हैं वो यही चाहते हैं सरकार से अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा सब कुछ सिस्टम बन जाए, यही चाहता है। अभी सरकार कैसा काम सही कर रही है? मैम मोदी सरकार के बारे में बताइए। मोदी सरकार मैम अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी भी सर अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में। मैम अच्छा काम बताइए, क्या बोल रहे हैं, क्या करते हैं, आपकी दुकान है? ये कोई भी राजा हो सब पब्लिक को देखे। हम लोग के तो यही निवेदन है जो वो जात पात की बात ना हम करें, सही से सब चलाए, सबके बराबर देखे। अब सारा राजा हुआ है तो प्रजा सब उनकी है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आप जनपद मार्केट में अभी दुकान लगा रहे हैं, यहाँ पे आपकी क्या समस्या है? आपको यहाँ पे बैठते हैं, आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या आपको कोई समस्या है यहाँ पे बैठने में, यहाँ पे सामान बेचने में, अपने कपड़े वपड़े जो भी आप बेच रहे हैं? नहीं ना, वो सब सही है जी, हाँ सब सही है। कोई भी राजा अपने देश को, सब प्रजा को एक समझे। एक क्या समस्या बता? समस्या मैम रेड़ी पटरी वालों को समस्या है, कोई ये सब आता है, माल उल उठा के ले जाता है, ये RDM वाला ये सब आता है, MCD के अंदर ये सब माल उठा के ले जाता है, यही सब समस्या है। हम लोग का परमानेंट यहाँ पे ये नहीं है, दुकान नहीं है, ठीक है। हम लोग का कहीं पर लगाते हैं तब मतलब उठा के ले जाता है, ये अपना जगह भी नहीं है, बहुत दिन से लगाते हैं। मैं तो ऐसे नौकरी करता हूँ, मेरा मालिक दूसरा है, ठीक ना, यही बात है। समस्या कि कोई भी आता है तो भागना पड़ता है इधर से उधर, पड़ता है माल समेट के रखना पड़ता है, नहीं तो उठा के ले जाता है, फिर पैसा लगता है, छुड़वाना पड़ता है। कितने पैसे लगते हैं? लगता है वही 1500 लग जाता है। मतलब जितना कमा नहीं पाते उतना देना पड़ता है, दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही चाहते हैं हम लोग, इधर अगर परमानेंट कर दे, किसी से डर ना रहे, यही मांग करना चाहते हैं बस। क्या नाम है आप? मेरा नाम खुशी लाल है। क्या यहाँ पे ये दुकान आपकी है? हाँ जी। तो अब जैसे लोकसभा चुनाव है, सरकार चंदा लेने आ जाती है, हर दल के लोग आ जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं, क्या आप एक व्यापारी हैं और आपकी समस्याएं सुनती हैं इसके बाद? मैडम हम तो पटरी वाले, हमारी समस्या सुनेगा कौन? जीतने के बाद कोई नहीं आता ना, ना पूछता है। हम तो जैसे बैठे हुए हैं और वैसे के वैसे ही बैठे हैं। हम तो 2011 से यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और हमें ना आज तक तो कोई चीज़ अलाउड करा है, ना हमारे पक्के कागज बनाए हैं, ना कुछ करा है हमारे लाइफ। और हमारी, हम तो पटरी वाले, हमारी सुनेगा कोई नहीं। और कुछ MCD के लोग? MCD नहीं, अब तो मैडम NDMC का है, पड़ता है MCD नहीं पड़ता, तो है तो उन्हीं के हाथ में, मगर ऊपर वाले जब कहेंगे तभी तो नीचे वाले करेंगे। जब ऊपर वालों के नीचे वाले छोटा तो कर ही नहीं सकता, जब तक ऊपर वाले नहीं कर पाए कहेंगे तो छोटे वाले भी तो बच के ही नहीं। कोई ध्यान नहीं देता? कोई नहीं ध्यान देता जी, हम तो 2011 से तब ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं। परेशानी है, कोई भी आता, कोई भी हमें हिला देता है और उठा के बोलता, सामान लेके भागना तो नहीं पड़ता। हम तो ऐसे भी थोड़े पक्के ही हैं, हमें तो कोई भी हाथ नहीं लगाता, ना पुलिस ना कमेटी,
बाकी जो अनऑथराइज जो ऐसे लगाता था उसको तो मैडम उठाएगा ही उठाएगा। क्या चाहते हैं, मांग क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो सरकार से ये चाहते हैंगे कि हमारा लाइसेंस पक्का बन जाए, हम लोगों को स्थायी जगह पे एक जगह बिठा दे, बस हम इतना ही ये चाहते हैंगे सरकार से, और कुछ नहीं चाहते। कहिए बहन जी, क्या समझते हैं? प्रॉब्लम यही है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सब ने एक जैसा माल रखा हुआ, सस्ता बेच रहे हैं ये वाला। और बारिश होती तो प्रॉब्लम होती है, बारिश होती सब उड़ जाता, सब भीग जाता है। एमसीडी वाले आते हैं तो एक्स्ट्रा माल होता तो उठा के ले जाते हैं, फिर छुड़वाना पड़ता है। एक्स्ट्रा माल मतलब जैसे थोड़ा जो भाई 6 महीने ज़्यादा लगा है तो उठा लेते हैं। अच्छा। कभी कभी थोड़ा फैल जाता है तो फिर देना पड़ता है, करना पड़ता है। पुराने ठीक है, मम्मी की शॉप है, बहुत टाइम से 1970-80 से बैठ रहे हैं हम। पंजाब से 1980 या 84 में आए थे, तब से हम यहाँ पर बैठे और यहाँ से ही रोटी खाते हैं। हमारे पास यही ज़रिया है, और कोई ज़रिया नहीं है। इधर से हमारा परिवार रोटी खा रहा है और हम चल रहे हैं अभी। हमारे पास हम यही चाहते हैं कि हमेशा यहीं बैठे रहे, यहाँ से नहीं हटा, जैसे बैठे ऐसे भी चलेगा हमारे लिए। मतलब तकलीफ हो रही है? तकलीफ है, दुकान में रोड में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पे छत है, यहाँ पे छत नहीं है, बारिश होती है। वो अभी बंदर आए थे, बंदर ने सब तोड़ फोड़ के इधर डाल दिया, भीग गया, वॉशरूम करके सब कुछ चले गए। परेशानी है, पर रोटी छोड़ के कहाँ जाएंगे। चुनावों के वक्त में सरकार बड़े दावा करती है कि व्यापारियों के लिए, जो रेहड़ी पटरी वाले, इनके लिए कुछ करेंगे। क्या क्या मांग कर रही हैं आप? क्या जैसे बैठे हम वैसे ही बैठे रहते, कुछ नहीं करते हैं हम। ये शुगर बना के बैठने दे रहे हैं बस, ये बैठ हटा तो नहीं रहा है। कितनी मार्केटों में हटा दिया, कमला मार्केटों में, बाकी अलग अलग, पर वो 1-2 साल से बैठे, ये 30-40-50 साल पुरानी है, बैठने दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पक्के ठीक हो जाए, जैसे अंदर सट्टा वाली दुकानें थी इनको भी दे दी जाए। जनपद मार्केट में आपकी दुकान है, कितना टाइम इसको हो गया पहले आप मुझे बताएं? मोर देन 50 इयर्स। व्यापारी की क्या समस्या है? अब इलेक्शन नजदीक है, क्या आपकी समस्या पर ध्यान जाता है? प्रॉब्लम्स, बट वो कोई सुनेगा नहीं, कोई XYZ कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो सिर्फ बिग इंडस्ट्री या फिर वो फ्री रेवड़ी लेने वाले जो हैं उन्हीं की सुनी जाती है बस। वोट बैंक, ट्रेडिशनल वोट बैंक वही है, वही क्लास है उनकी। वोट बैंक नहीं है? वो बड़े लिमिटेड है ना, दैट बिजनेस कम्युनिटी इज वेरी लिमिटेड इन, ट्रेडर कम्युनिटी इज लिमिटेड। क्या कहेंगे सर? हाँ, वो कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, किसी बिग इंडस्ट्री जो है दे, वो जो है इलेक्शन फंड वो काफ़ी देते हैं, और लोअर क्लास है वोट आते हैं। अच्छा, चंदा जिनको मिलता है उन्हीं से वादे किए जाते हैं? बिल्कुल हाँ, और जिनको दिया जाता है उनके भी वादे किए जाते हैं। बीच वाले जो है उनका कोई सॉल्यूशन? नो, कोई भी नहीं होगा, नेवर। या मतलब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ नेवर बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद आपको विश्वास है कि कभी बदलाव होगा ही नहीं। देखिए, हम लोग दिल्ली की जनपद मार्केट में इस वक्त मौजूद थे, जहां पर व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं उन्होंने बताई, और आम जनता की क्या समस्याएं हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो समस्याएं हैं, कभी हल नहीं हो सकती है। कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ये बात बोल रहे हैं कि अब जो समस्याएं हैं वो सिर्फ जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनके पास ही हर दल के लोग जाते हैं और उनकी ही समस्याओं को सुनते हैं, हम छोटे ट्रेडर्स के पास, व्यापारियों के पास नहीं आते हैं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।